हेलो फ्रेंड्स, मार्शल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, ये सैमसंग का A50 है। ये एकदम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। जो कस्टमर कह रहा है कि इसका जैक चार्जिंग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सेट बंद हो गया है और जैक भी इसका हिल रहा है, तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे इसका जैक को कैसे रिपेयर करना है, इस फ़ोन को कैसे ऑन करना है, और जब आप ऑन करोगे तो इसको तो डिसअसेंबल भी करना है, तो डिसअसेंबल ये कैसे होगा। अगर इस सेट को आप डिसअसेंबल कर लेते हो तो डिसअसेंबल करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप नॉर्मली इसमें आप कर सकते हो। जैसे आप बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो, चार्जिंग जैक को रिप्लेस कर सकते हो, इसकी चार्जिंग स्ट्रिप को आप रिप्लेस कर सकते हो, बोर्ड को भी रिपेयर कर सकते हो। तो खोलने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले डिसअसेंबलिंग भी हो जाएगी और इस फ़ोन को कैसे कैसे हम ऑन करेंगे ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सैमसंग का ये 50 जो है, इसका पीछे का जो कवर है इसको हम हीट करेंगे हल्का हल्का। फ्लेक्सिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की हल्की आप हीट दे करके इसको SMD मशीन से दे सकते हैं, नहीं तो आप वैक्यूम मशीन है उससे भी आप हीट दे सकते हैं हल्की हल्की चारों तरफ। जब आप चारों तरफ हीट देंगे तो इसमें चारों तरफ जो गमिंग लगी हुई होती है वो मेल्ट हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिससे पकड़ ढीली होते के साथ ही आप इस बैटरी कवर को आराम से खोल सकते हो। कोई स्क्रू नहीं होता इसमें। तो ये हीट अब हम कर चुके हैं, काफ़ी हीट हो चुका है। एक पतली सी पन्नी ले लें, एक कोई चीज़ ले लें, एक्सरे भी काम में आ जाता है, कार्ड भी काम में आ जाते हैं। तो आप साइड में लगाएंगे इसको, ये देखिए ये आ गया, और आराम से इसको कवर को नीचे की तरफ लेकर के आए, और थोड़ा थोड़ा ही लगा हुआ होता है चारों तरफ। इस तरीके से ये देखिए पीछे का कवर उतर गया। कवर उतरने के बाद ये जितने भी स्क्रू हैं ये सब आपको ओपन करने हैं। अब स्क्रू को हम ओपन करते हैं। देखिए सारे स्क्रू खुलने के बाद फिर ये आपका बॉर्डर जो होता है इसका, इसको आप आराम से इस तरीके से खोलें। यह अब आपका इस तरीके से पीछे से मिले। ये कवर खुल जाएगा। तो ये रही स्ट्रिप। अगर आपका ये टाइप सी का जैक ख़राब हो गया है तो जैक को आप रिप्लेस कर दें। अगर स्ट्रिप ही ख़राब हो गई तो स्ट्रिप को आप रिपेयर कर दें। ये कनेक्टर जितने भी हैं सबको आप इस तरीके से फ्री कर लें। ये देखिए आराम से ये निकल गया। अब हम स्ट्रिप को हम निकालेंगे, क्योंकि इसके जो जैक है जैक में प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो जैक को हम रिपेयर करेंगे इसमें, और रिपेयरेबल है या नहीं है वो भी देखेंगे। इस तरीके से सारे कनेक्टर हमने फ्री कर दिए।
और देखो कोई स्क्रू तो नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है, तो ये स्ट्रिप पेस्ट होती है, तो ये आराम से उठाओगे तो ये देखो ये स्ट्रिप भी बाहर आ गई। ये पूरी आप स्ट्रिप बदल दोगे, इस सेट में हम ये स्ट्रिप चेंज कर देंगे जिसमें जैक भी आता है, हैंड फ्री भी आता है। ये सारी पूरी स्ट्रिप चेंज करने के बाद इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब हम स्ट्रिप लेकर के आते हैं। देखिए ये स्ट्रिप हमने मंगा दी है, अब इस स्ट्रिप को हम इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम सेट को ऑन करेंगे। स्ट्रिप लगाई और ये कनेक्टर इसमें लगा दो। कनेक्टर लगाने के बाद ये एंटीने का है, एंटीना भी लगा दो। एंटीना लग गया, अब बैटरी भी कनेक्ट है, अब हम चार्ज करके देखते हैं। ये देखिए हमारा मोबाइल ये चार्ज हो रहा है, 94% बैटरी है इसमें। अब ऑन करके देखते इसको, चार्ज हमारा होने लगा, 94% है। ऑन करके देखें, ये वाला दो स्विच है, इसको आप टच करेंगे, ये देखिए ऑन भी हो गया। तो इसमें जो मसला था, तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ स्ट्रिप की थी, हमने स्ट्रिप बदल दी, स्ट्रिप बदलने के बाद हमारा फ़ोन चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।